भारत च वड्डी गिनती दे विच लोकां दा विश्वास ईवीएम मशीनां तों उठ चुका है। कहना है कि श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा एसजीपीसी दे तेजा सिंह समुंदरी हाल विखे श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं लै के सिख जथेबंदियां अते सिख संपर्दावां दी मीटिंग होई है। मीटिंग तों बाद जथेदार अकाल तख्त ने कहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं लै के केंद्र सरकार वल्लों इक कमेटी भी बनाई गई सी, जिस वल्लों कोई जवाब ना आउण तों स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब समागमों तो पिछे हट रही है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल प्रकाश पुरब शताब्दी रूप के मना रहा है 1 मई संबंध में अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जथेदार तेजा सिंह जी समुंदरी हाल विखे समूह जथेबंदियां संप्रदावान के मुखियों की एक एकत्रता जी बुलाई गई सी, जिस विच सारियां संप्रदावां दे मुखी साहिबान ने और जथेबंदियां दे जिहड़े नुमाइंदे पहुँचे सन उन्होंने इस महान शताब्दी नूं मनाउण हित श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कुछ सुझाव दिते ने। ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्योंकि वाहद पंथ की चुनी हुई नुमाइंदा जथेबंदी है, इस लई जो सुझाव आए ने सिख संगतां वल्लों जां आउण वाले समें दे विच जो सुझाव जिहड़े आ सिख संगतां वल्लों विश्व भर दे विच जिहड़ियां बैठियां ने उन्हां वल्लों आउणगे, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख सिद्धांतों की रोशनी के उस सुझाव जिहड़े आउणगे उन्हां दे मद्देनज़र जिहड़ा है ये सारे प्रोग्रामां दी रूपरेखा जिहड़ी है वह उलीकेगी। तो वड्डे समागम जिहड़े है वह कोई 26-27 अप्रैल तो प्रारंभ हो जाएंगे। श्री अमृतसर साहब की पावन धरती के उत्ते शताब्दी मनाई जानी है, क्योंकि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का जिहड़ा प्रकाश सी वह श्री अमृतसर साहब की पावन धरती के उत्ते गुरुद्वारा गुरु के महल साहब विखे होया सी, ते इहदे संबंध विच अज दी इह एकत्रता हो बड़ी तेजी के नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगी है। शताब्दी एक स्पैशल जिहड़ा है वह ब्रांच बनाई गई है, बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल अगे भी इस तरह हुंदा आया है, सुझाव आउंदे ने मौके पर भी आउंदे ने उन्होंने भी जिहड़ा है वह इंप्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि मैं पता लग्या सीगा कि केंद्र सरकार वालों काफ़ी सारे प्रोग्राम जिहड़े है वह उलीकण वास्ते एक वड्डी कमेटी बनाई गई सी, और वह कमेटी जिहड़ी है प्रेस दे विच भी अनाउंस होई सी। उस तों बाद भारत सरकार वालों कोई भी जिहड़ी है कार्रवाई जिहड़ी है इन शताब्दी समागमां नूं लैके वह सामने नहीं आई है, तो इस तों अंदाज़ा लग रहा है कि शायद वह पिछे हट गई। आसाम दे विच चुनाव होण वाले ने, हुण कल परसों एक बीजेपी नेता दे गड्डी दे विचों ईवीएम मशीन फड़ी गई है, क्या लगता है? मैं पहले ही जिहड़ा इस बाबत जिहड़ा बयान दे चुके हैं कि सरकार अज बहु हिंदुस्तान दे बहुगिणती लोकां दा जिहड़ा भरोसा है वह ईवीएम तो उठ चुके हैं। मैं लगता कि मीडिया ज्यादा पा रहा कोरोना का खौफ होर तक कोई पा ही नहीं रहा जापदा। लग नहीं रहा जी इस तरह की कोई गलबात जी है, सारा स्मूथली चल रहा है, मैनू नहीं लगता कि इस तरह का हर एक अपनी जान प्यारी है, इस करके लोग जड़े है वो अवेयर ने, बस लोगों नूं अपना खान पीन रहन सहन बदलन की जरूरत है। एक मैं समझदा कि बदकिस्मती है या बदनीति है भारत सरकार की कि कोरीडोर नहीं खोलिया जा रहा।